ये आपका 1 वीक निकाल देगी अगर आप रेगुलर बेस पे यूज़ करते हैं। करना क्या है, किसी भी स्प्रे बॉटल में इसको फिल कर लीजिए और अपने बालों के स्कैल्प से लेके रूट्स तक एंड तक आपको स्प्रे करना है, उसके बाद इसको ड्राई होने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी इसरा शाहिद, वेलकम बैक माई चैनल। आज आपके साथ एक कोई सीक्रेट रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। लंबे बाल हमेशा से हर किसी की ख्वाहिश होती है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक हमेशा कोई चाहता है कि हमारे लंबे घने मजबूत बाल हो जाएं। आपको कुछ इंग्रेडिएंट स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, ये देखने में तो बहुत ही आम है लेकिन इसके इतने बेनिफिट्स हैं हमारी हेल्थ से लेके हमारे स्किन और हेयर्स के लिए कि आप इसको जानकर बहुत हैरान रह जाएंगे। ये इंग्रेडिएंट हमारे किचन में बहुत ही ईजिली हमें मिल जाते हैं और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपका 20 से 30 रुपए का ख़र्चा है, ज़्यादा ख़र्चा नहीं है। ये हमारे किचन में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। सबसे पहले यहाँ जो मेन इंग्रेडिएंट है वो बे लीफ यानी तेज़पात है, जो हम अपने खानों में यूज़ करते हैं। ये है गरम मसाले के दोनों अज्जा, लौंग और काले मिर्च। इसके जितने बेनिफिट हमारे हेल्थ से लेके स्किन और हेयर्स के हैं तो इसके बारे में बाद में बात करें, पहले बनाना कैसे वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैं स्टील का कोई भी पतीला यूज़ कर रही हूँ, कोई पैन पतीला कुछ भी। उसके बाद यहाँ पर 3 ग्लास पानी डालने के बाद तमाम इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाल लिए हैं, मिक्स कर लिया है इसको मैंने। 5 से 10 मिनट छोड़ने के बाद फिर इसको बॉईल कर लूँगी मैं, मीडियम से लो फ्लेम पे करना है, हमें आँच को तेज़ नहीं करना है। 3 ग्लास जो पानी डाला है तो उसको मैं इतना पकाऊंगी कि ये आधा हो जाए यानी कि 1.5 ग्लास हो जाए, और आँच तेज़ नहीं करना है, पानी को बिल्कुल नहीं जलाना है। स्लो से मीडियम फ्लेम के दरमियान में जो आँच होती है हमें वो आँच पे रख के इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट पकाना है, तो ये आधे क्वांटिटी में हो जाएगा। उसके बाद ये मैंने रात भर इसको छोड़ दिया था तो ये इसका कलर इतना डार्क हो गया है और थोड़ा ये थिक सा पानी हो गया था। इसमें रखने का मकसद ये है कि इसके बेनिफिट्स डबल हो जाते हैं। स्ट्रेनर लेकर उसको मैंने पानी को स्ट्रेन कर लिया है और जो इंग्रेडिएंट थे वो मैंने डिस्कार्ड कर लिए हैं क्योंकि अब वो बेकार हो गए थे। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक बॉटल ले ली है, आप कोई सी भी स्प्रे बॉटल ले लें या छोटी कोई सी भी बॉटल लेकर उस वाटर को इसमें फिल कर लें। अब ये वाटर हमारे पास तकरीबन 1 वीक चलता है अगर रेगुलर बेस पे इसको आप यूज़ करेंगे। सुबह से लेकर किसी भी टाइम आप स्प्रे करना है बालों में, स्कैल्प में करना है, रूट्स में करना है और इसको ड्राई होने दें। ये स्प्रे उन लोगों के लिए है जो ऑयल लगाने से उलझते हैं, हेयर पैक्स लगाने में परेशानी होती है, तो उन लोगों के लिए सीरियसली यकीन कीजिए इतना कोई ज़बरदस्त है। सिर्फ मेरे कहने पे एक दफ़ा इसको ट्राई करें, अपने ड्राई बालों में इसको स्प्रे करना है, स्कैल्प से लेके एंड्स तक रूट्स में अच्छी तरह से स्प्रे करके इसको छोड़ दें ड्राई होने। दिन में 2 दफ़ा कर लें, अगर टाइम नहीं है तो 1 ही दफ़ा ही करें, और सिर्फ 1 टाइम वॉश के बाद आप अपने बालों में एक बाउंस देखेंगे, शाइन, इतने बाल आपके वो शाइन करेंगे कि यकीन नहीं करेंगे कि ये सिर्फ घरेलू जो हमारे मसाले जात होते हैं ये उनसे बना हुआ कोई आपका हेयर टूनर है। प्लस आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपकी हेयर ग्रोथ फास्ट करता है और आपके ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये एक चीज़ दिखा दूँ कि मैं जो यूज़ कर रही हूँ बालों में स्प्रे करने के लिए, वो इस तरह के स्प्रे मार्केट में मिल जाते हैं, बॉटल होती है उसके साथ, लेकिन मैंने ऊपर की सिर्फ नोजल ली है तो, और नीचे ये बहुत लंबा सा पाइप था तो मैंने इसको क्रॉस में, इसके टिप देखे मैंने क्रॉस में इसको काटा है ताकि ईजिली ये निकल सके, वरना स्टक हो जाता है पानी नीचे ना छोटी बॉटल्स में तो ये ईजिली निकल जाता है। मुझे पर्सनली वो छोटे वाले स्प्रे बालों में करने के लिए ठीक नहीं रहते, वो छोटे छोटे से होते हैं और हाथ भी दुख जाता है, वो फेस के लिए एक हद तक ठीक रहते हैं लेकिन ये बड़े स्प्रे बालों में और अच्छी तरह से मतलब ठीक से कवर कर लेते हैं स्प्रे हमारे बालों में। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेट मिल सके कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। फिर मिलूँगे नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।